हाँ अब बुला लो तुम्हारे अण्णा को। वो अब तक जागे नहीं है। अग भाई कहीं वो नींद में चल तो नहीं बसे। शुभ शुभ बोले। बराबर कहीं उन्हें ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो गया। ये तेरा शुभ शुभ है भारती। वो ब्रेन हेमरेज का आजकल मस्तपे की इलाज निकला है ना, इसलिए मैं बोली। हाँ और भारती के भीकू मामा वो तो ब्रेन हेमरेज में एक्सपर्ट सर्जन है। नहीं नहीं पेशेंट है। दो बार ब्रेन हेमरेज हुआ है उनको और उनका बीपी 200/140। दो साल से बिस्तर पे हैं, एक ही बिस्तर पे। मामी को तो पहचानते तक नहीं है ना। हाँ तू क्या ऐसे इतरा रही है, तारीफ नहीं कर रहा तेरे मामा की। अगर मैं हूँ आई मैं जाके अन्ना को बुलाती हूँ। अरे रुक बड़ा, उनका अलार्म थोड़ा लेट ही रखा था ताकि आराम से उठ सके। अब बचता ही होगा। ला देना गायत्री, मैं बना देता हूँ, तू थोड़ा तो आराम कर। नहीं नहीं प्रभाकर भैया, मुझे बनाने दीजिए ना, मुझे वैसे भी बहुत मजा आ रहा है बनाने में। हाँ और वैसे भी गायत्री के हाथों में जादू है। ऐसे जादू तो मेरी भारती की मौसेरी बहन मंदा के हाथ में भी है। वो जादू करनी है? अरे नहीं नहीं चोर है चोर। ऐसे हाथ की सफाई से जादू से चीजें चुराती है। नींबू अनानास 3 बार जेल जा चुकी है, वो भी लेडीज जेल है। सफेद साड़ी वो भी बॉर्डर वाली। निर्या नहीं बन, मंदा की नहीं बन, हो गया। हाँ गायत्री तू कंटिन्यू कर। आपने उनको फोन किया? केशव तू करना। कितना डरते हो आप? आपको सिर्फ फोन करके इतना बोलना है कि हेलो मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे आइए और अन्ना का दिमाग ठिकाने लगाइए बस। केशव तू मुझसे ज्यादा बेहतर बोल पाएगा, मैं क्या लिखने में तुझसे बेहतर हूँ। चैंपियन सुन, पेट में अल्सर होता है क्योंकि बढ़ता है उसमें तेजाब। अनिल कपूर एक्टिंग करता है, पिक्चर का नाम है तेजाब। तो अल्सर अनिल कपूर एक हुए, ऑफिसर हल्दी आमचूर एक हुए। ठीक है मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ही फोन करके बोलता हूँ कि हेलो मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे आइए और अन्ना का दिमाग ठिकाने लगाइए। खुश केशव आप ये नकली मूंछ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बिना मूंछ के मैं चंद्रमुखी का जुड़वा भाई लगूंगा और अन्ना भाई को चंद्रमुखी की याद दिलाता रहूंगा। ये जब तक मेरी असली मूंछें वापस नहीं आ जाती मुझे नकली मूंछें लगानी ही पड़ेगी। अब लग रहा हूं महेंद्र। ए गायत्री बेटा भाखरवाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है आज। आई थिंक आज वाली सबसे बेस्ट बनी मम्मी है। तो चखते हैं ना मम्मी भाखरवाड़ी, क्या कहती हो? एक मिनट गायत्री जरा। सॉरी अभिषेक, हम लोग
हमारी दुकान की रीते के है अभिषेक, तू लाइन में जाके क्यों खड़ा हो गया बेटा? गोखले बंदू पे चखने को नहीं देते ना बाकरवड़ी, तो मैं आपको खरीद के चखवाऊंगा मम्मी। गायत्री बाड़ा, क्या है सब बरोबर है? उर्मिला भाई नमस्कार। नमस्कार, क्या बात है? महेंद्र भाऊ दिखाई नहीं देते, भाग गए कि क्या? दुम दबा के शर्म के मारे उस नालायक अभिषेक के साथ में। आ वैसे भी दुकान पे कैसे खड़े रहते, किस मुंह से खड़े रहते, मूछ वाले मुंह से या बिना मूछ के मुंह से? ओ चंद्रमुखी चाहक, महेंद्र एक बड़े ऑर्डर की डिलीवरी करने गए हैं, हाँ? और अभिषेक है ना, वो देखो लाइन में खड़ा है। देखिए देखिए लाइन में, हाँ? अन्ना, एक किलो भाखरवड़ी मिलेगी मेरे दोस्त? ऑफ कोर्स मिलेगी। थैंक यू। और ये हमारी तरफ से फ्री सैंपल है, मेक्सिकन कचोरी, चख के देखिए, पसंद नहीं आए तो मैं खुद डस्टबिन में फेंक दूंगा। ओके ए रुक रुक, क्या मिला है इसमें? इसने है ना, इसमें कुछ मिला है ताकि मैं फिर से तू बेहोश हो जाए और ये तेरा अपहरण करके लेके जाए तुझे। क्या मिलाया है इसमें? आपके संस्कार मिलाया अन्ना। बचपन में आपने सिखाया था ना कि जो भी काम करो निष्ठा से करो, समाज की गलत सोच में बदलाव लाने का काम युवा पीढ़ी का होता है, ये सब सिखाया था ना आपने। और अन्ना भाई, इस नई सोच को पेश करने के लिए अभिषेक ने ओरिजिनल मैक्सिकन रेसिपी से भारतीय कचौरी बनाई है, चखिए चखिए। हाँ ना, खुद चख के देखिए और बताइए इसमें आपके संस्कार सही है या गलत। गायत्री, उसके सामने मुस्कुराने की क्या आवश्यकता थी? अन्ना, दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था सुबह अभिषेक, मैंने थाम लिया, अब इसी दोस्ती के आधार पर उसे खींचकर हमारे पास यहाँ वापस लेकर आऊंगी, आप देखना। क्या दिमाग लगाया है तूने? देख लेना, तेरे हाथ की कचौरी खाकर दोनों इंप्रेस होंगे ही होंगे, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। बस ये वो देख खा रहे हैं, खा रहे मींस का खाने जा रहे, खाने जा रहे। अभी ट्राई करेंगे, अभी ट्राई करेंगे। तू भगवान से प्रार्थना कर बेटा, प्रार्थना कर। नहीं नहीं, माताजी से प्रार्थना कर। हा? नहीं नहीं, माताजी भगवान दोनों से प्रार्थना कर। एक काम कर, तू सारे के सारे भगवान से प्रार्थना कर, खाने वाले हैं। अन्ना, ये कहां से आ गई ये भाखरी बहन? भारती, भारती का भाखरी कैसे कर सकती है? हाँ भाई, आई से अभी भाषा तो शुरू किया ना बेटा मैंने, तू देख ना उन दोनों ने कचोरी रख दी। हाँ, बोल बड़ा बोल, देख खाने में क्या बनाऊ। वो तो हमने कल ही तय कर लिया था ना, तो उसके अलावा कुछ भी पूछना है वो पूछ। हाँ बराबर रॉन्ग है बंडिया। क्या रॉन्ग है? ऐसे नहीं होता, देख ऐसा। एक्सक्यूज मी, बोलिए। वो अन्ना साहेब ने बुलाया है गायत्री जी का हाथ बटाने के लिए, हेल्पर की जरूरत है ना, नाश्ता बनाने के लिए। गायत्री की मदद करने के लिए अब अगर कोई भी औरत आई ना तो अमोल वाला तू चेक करेगा। अमोल काका, दादी को बुलाइए जरा। हाँ। रुक रुक झोला, पहले मुझे चेक करने दे। Thank you.
ना भाई? मुझसे चालाकी? लुच्चे महेंद्र अंकल। अमोल काका, ये दुख रहा है। पापा छोड़ ले, छोड़ मेरी छोटी छोड़। पापा छोड़ ले, छोड़ छोड़ भाई। पापा छोड़ो पापा। ये क्या कर रहे थे आप पापा? ये सचमुच की औरतें हैं। हाँ। देवा 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 देवा, पर स्त्री के केश को खींचकर इस तरह उनके साथ अनादर, इस तरह उनके साथ व्यवहार। अरे आप भी क्या इस वक्त माइथोलॉजिकल सीरियल की तरह बोलने लग गए? आजी जल्दी आइए। आजी। अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे अनाड़ी अनाड़ी, हमारे बाल खींच रहे। तो आपने इतने अच्छे से क्यों लगाए विग महेंद्र अंकल? अरे अमोल क्षमा करना, वो जरा बच्चों जैसा है। अमोल, अरे वो सचमुच की औरतें हैं, चंद्रमुखी बने हुए महेंद्र भाव नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे तो केशव दादा ने बोला था कि कोई भी घर पे काम मांगना आए तो उसको बराबर से चेक करके देख लेना। एक नंबर का नालायक है ये केशव। केशव हमेशा हमेशा मेरे साथ में ऐसे करती और फिर स्वतः रोती है, तो सब लोग को ऐसा लगता है कि मैं केशव प्रभाकर। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, ये है ना, हमेशा मुझे सताती, हमेशा सताती और रोती है, तो सब लोग मेरे सामने। अभी है ना, तो तुम लोग इसको लेके जाओ, लेके जाओ इसको रसोई घर के अंदर बंद कर दो, हमेशा के लिए चुनवा दो अनारकली के जैसे। बड़ा एक मिनट, क्यों क्यों मेरी बेचारी भारती ने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरी सुबह, मेरा दिमाग, मेरी मानसिक अवस्था बिगाड़ी है इसने। हाँ, वो मैं भी देख तो रही थी बीच बीच में, गलती आपकी बीवी की है प्रभास भाई। इनके साथ तो कोई घनचक्कर आदमी भी बात करे ना तो वो भी घनचक्कर बन जावे। देखो उस चक्कर में अन्ना भाई घनचक्कर बन गए। वही उर्मिला बहन, अब क्या कहना क्या चाहती है, मैं पहले से घनचक्कर हूँ क्या? अभी अन्ना भाई आप मुझ पर बाद में बरसना, पहले ये भार्गवी बहन को रवाना कीजिए ना, और वो चकोरी कचोरी चखिए ना हमारी फटाफट। अरे एक मिनट, पहले कोई बताएगा बात क्या है? केशव भाऊजी, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि अपने घर का फ्रिज खराब हो गया है और अपना नंदू इलेक्ट्रिशियन है ना, वो भी छुट्टी पे है, तो झूठे 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 झूठ बोलते, पूरा बोल, पूरा बोलना, पूरा बोल। हमेशा हमेशा ऐसा करती है, आधी अधूरे बात बोलते और रोते तो सब लोग को लगता है मेरी गलती है घर की। ऐसा कुछ नहीं हुआ था केशव प्रभाकर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं बताता हूँ, मैं शुरू से करके दिखाता हूँ मैं क्या हो गया नाटक, शुरुआत से बताता हूँ क्या हुआ था। पापा ऐसे किसी की चोटी नहीं खींचते हैं। हाँ ठीक है, अभी कोई काम मांगने आएगा ना तो मैं उसकी चोटी नहीं खींचूंगा, साड़ी खींचूंगा। अगर महेंद्र अंकल होंगे ना तो वो जोर से चिल्लाएंगे अपनी भारी आवाज में और पकड़े जाएंगे, है ना मस्त आइडिया? नहीं, एक्सक्यूज मी, वो अन्ना साहब ने बुलाया था काम के लिए, तो किससे मिलना है? पापा रुकिए, अमोल चुप चुप, अरे बच्चों के साथ खेल ले जा तू। हाँ, ले जाओ इसे, चलिए चलिए पापा, भागो भागो। अंकल हाँ कहिए, बोलिए। बोल बोल, अभी बता ना सबको, बता कैसे आकर तूने मेरी बैंड बजाई थी, शुरू से करके दिखा सब लोगों को। कचोरी ठंडी हो जाएगी। सब लोग देखना, ध्यान से देखना, मैं है ना आराम से कचोरी खा रहा था, कचोरी दे। हाँ ऐसे खा रहा था मैं कचोरी। अन्ना। हाँ बड़ा भारती, बोल बड़ा बोल। वो अपना फ्रिज खराब हो गया है और अपना नंदू इलेक्ट्रिशियन भी छुट्टी पे है। हाँ तो तो मैं गोविंद के तबेले जाकर उनके बेटे विश्वास को बुलाऊं, वो भी इलेक्ट्रिशियन ही है। अरे वाह 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 वाह, हाँ जा जा, बुला बुला विश्वास को बुला। लेकिन हाँ, तबेले पे जा रही है ना तो साथ में पनीर भी लेके आना, वहाँ भी तबेले पे है ना ताजा ताजा मऊ मऊ पनीर मिलेगा, तो पनीर की सब्जी बनाना फिर। बराबर है, लेकिन अन्ना। हाँ पनीर के साथ आपको मटर पसंद है ना, तो मैं पनीर मटर की सब्जी बनाऊं। पनीर मटर
हाँ पनीर पनीर मटर। और कल रात को हमने वो परवर की सब्जी नक्की की थी ना, उसको कैंसिल कर दे। पनीर मटर परवर आप भी देखना, आप भी देखना तुम लोग। लेकिन अन्ना आप बाड़ा वो मटर में बरसात की वजह से ना कीड़े निकलते हैं, तो मैं परवल ही बना देती हूँ। ठीक है परवल बना। परवर भारती भारती इधर आ इधर आ, घर की तरफ क्या जा रही है तू? वो विश्वास को बुलाने वाली थी ना, उसका तबेला इस तरफ है। हाँ लेकिन पनीर तो लाना ही नहीं है ना, तो मैं तबेले क्यों जाऊँ? मैं घर जाके मस्त परवल बना देती हूँ। अरे 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 ले, ले, लेकिन तू घर से फ्रिज ठीक करवाने के लिए निकली थी ना? लेकिन फिर आपने पनीर मंगवाया ना, जो कि अभी लाना ही नहीं है। देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो? अरे लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक एक मिनट एक मिनट। अन्ना भाई ये पनीर वाली बात मैंने जरा सुनी नहीं थी। अगर आपने पनीर मंगवाया था उनके पास तो फिर गलती आपकी है, ये भार्गवी बहन की नहीं है। आप पहले चुप बैठ जाए, हमेशा बीच बीच में आ जाती है। पहले है ना इसका नाम याद रखो, भारती 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 की करू आरती, आरती में तेल है, भारती दसवीं फेल है। रट्टा मारो रट्टा मारो, भारती के नाम का पारा याद करो, तभी आपको इसका नाम याद रहेगा। कोई फायदा नहीं है अन्ना, कोई फायदा नहीं। उर्मिला महीनी रट्टा मार के भी इन्हें तेल दसवीं फेल और ना जाने क्या क्या नाम से बुलाएगी। हाँ और नहीं तो क्या। मगर तो अभी वो कंफ्यूजन मत क्रिएट करो ना नया वाला। अभी वो भारती का थोड़ा भार्गवी तो किया मैंने, उसमें अभी क्या। अरे लेकिन क्यों, भारती भार्गवी एक हुए। अरे बाप रे, ग्रीन टी महाकवि एक हुए। शांति। मैं शांत ही हूँ। आपको नहीं अन्ना, आपको नहीं। भारती बहनी इधर जा। बराबर संभाल की जाएगी। और आप ये गानों की किताब बंद करो, कोई लिखाई पढ़ाई नहीं होगी। दुकान में चलो, बहुत काम है। बहुत काम है, चला। अरे चलो चलो, अभी आप लोग क्या पिक्चर देखने के लिए खड़े हो गए? चलो निकलो, अपने अपने घर पे जाओ। कुछ भी करने जाओ तो मैं डांटी खाती हूँ निर्मिति। ओहो वहिनी, आप तो जानती है ना अन्ना का दिमाग आजकल कुछ ज्यादा ही गर्म रहता है। तभी तो मैं सोच रही थी कि उनको फोन करके पूछूं। अरे उनकी छोड़िए आप, चुपचाप फ्रिज रिपेयर करने वाले को बुला लेना चाहिए था ना आपको। भाई 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 भाई, ये परवल तो सारे सड़े हुए हैं, खराब है अंदर से, देख काले काले हो गए। वहिनी परवल को छोड़िए ना आप। लेकिन अन्ना ने कहा है कि उनको परवल की सब्जी खानी है। हाँ ठीक है, पहले जाके इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, जाइए। बराबर। अरे वहिनी जाइए ना। हाँ। एक बज गए, जाइए जल्दी जाइए। बराबर। अरे गायत्री बेटा, बाखरवाड़ी तो फर्स्ट क्लास बनी है। अभी हमारी मैक्सिकन कचौरी भी चख के देख ले। हाँ हाँ अन्ना, केशव भैया प्रभाकर भैया, मैक्सिकन कचौरी। बुरी नहीं है। ठीक है। क्योंकि क्या है, वैसे भी इसमें मिर्ची हमारी मराठी वाली डाली है अभिषेक ने। अन्ना मिर्ची मेक्सिको से आई थी भारत में। हाँ अन्ना भाई, भारत में मिर्चियां उगती ही नहीं थी। अरे अरे वो मेक्सिको है ना, वो पहले महाराष्ट्र का ही हिस्सा था। आपको कुछ मालूम नहीं है, वो क्या है ना, दक्षिण अमेरिका और भारत पहले ही ना एकदम ऐसे बाजू बाजू में थे, और फिर उन दोनों के बीच में ऐसा समुंदर घुस गया तो दोनों अलग हो गए। लेकिन उससे पहले वो मैक्सिको वाले है ना, वो महाराष्ट्र से मिर्ची चुरा के भाग गए। अभी इस पे चर्चा समाप्त। रहने दो मम्मी रहने दो, हमारा तीर निशाने पे लग गया ना, बात खत्म। अच्छा अन्ना वैसे सच पूछू तो वाकई बहुत अच्छी है ना मैक्सिकन कचौरी। अरे बहुत ही कुछ ज्यादा ही अच्छी है, बहुत अच्छी।
लेकिन क्या है ना, उन लोगों के सामने ही प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ऐसा बोला। मुझे तो इतनी अच्छी लगी, दो तीन मुझे और दे दे, हाँ मेरी जेब में भी डाल दे दो तीन। मैक्सिकन कचौरी। वाह वाह वाह, लगता है दोनों पिघलने लगे हैं। लोहा गरम है केशव, बस अब हथौड़ा लग जाए तो समझ लो गंगा पार।